शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। उदय शिंदे, पुलिस का मोटो जानते हैं? यस सर, अपनी जान पर खेलकर समाज की रक्षा करना। मतलब तुम जानते हो ड्यूटी निभाते वक्त तुम्हारी जान भी जा सकती है। वो मेरा सौभाग्य होगा। तो मिस्टर उदय शिंदे, आप इंटरव्यू के लिए तैयार हैं? यस सर। थैंक यू सर, बेस्ट ऑफ लक। साहब आपके लिए लेटर है, कमिश्नर साहब के ऑफिस से। उदय शिंदे पुत्र श्री दयाराम शिंदे रहवासी 4 नंबर 24 रूम नंबर 8 विठल निवास बीरादे साई रोड मुंबई, जो आपके थाने के वर्ग में है, उनका सहायक इंस्पेक्टर पद के लिए चयन किया गया है। आप जल्द से जल्द उनका चरित्र प्रमाण पत्र तैयार कर उसे पुलिस भर्ती विभाग में जमा करें। क्या हुआ साहब? ये साला बच कैसे गया? कौन साहब? साहब आप? कंग्रेचुलेशंस भैया। थैंक यू। कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू। सुनो, मैं केक नहीं खाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कुल्फी चाहिए। ये लो। ये बात। I owe all this to my wife. भाई उदय, इस दुनिया में अपनी बीवी को खुश देखने से बड़ी और कोई भी खुशी नहीं है। हाँ भाई, मेरी खुशी भी मेरे प्यार की खुशी में। क्यों? उदय, मैं चाहता हूँ कि तुम कावेरी को वो सारी खुशियाँ दो जो मैंने रंजो को दी हैं। कोशिश तो जरूर करूँगा। बहुत जल्द मुझे मेरे जॉइनिंग ऑर्डर्स मिलने वाले हैं। भैया, आपने उदय को आपकी कंपनी की नई ब्रांच के बारे में नहीं बताया? हाँ, या उदय, हमारी कंपनी बैंगलोर में एक नई ब्रांच खोलने वाली है और उसके लिए हमें अच्छे और मेहनती लड़कों की जरूरत है। रियली? ये तो बहुत अच्छी बात है। शायद मेरे किसी दोस्त के काम आ जाए। भैया आपके दोस्तों के लिए नहीं कह रहे हैं। आपको भैया कोई अच्छी पोस्ट दिलवा सकते हैं क्या? हाँ उदय, वैसे देखा जाए तो क्या रखा है पुलिस की नौकरी में, चंद मेडल्स के अलावा। और वैसे भी जितनी तनख्वाह वो तुमको देंगे उससे कहीं ज्यादा खतरा तुम्हारी जान को होगा। ये आप क्या कह रहे हैं? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हम सबने मिलकर भैया के लिए सिर्फ एक ही सपना देखा है। हाँ, लेकिन रंजो, मैं तो सिर्फ इनकी भलाई के लिए कह रहा हूँ ना। मैं तो सिर्फ इतना ही चाहता हूँ कि तुम दोनों शादी के बाद खुश रहो, ना कि सारी जिंदगी रोज तुम्हारे आने तक ये डर में गुजारे। प्लीज, आपने इन्हें ये सब कहने के लिए बुलाया है? प्लीज भैया, इनकी बातों का बुरा नहीं मानना। इन्हें नहीं पता ये क्या कह रहे हैं। सही तो कह रहे हैं रंजो, अपनी बहन के अच्छे और बुरे के बारे में सोचने का पूरा अधिकार है इनको। सर, मेरा नाम उदय शिंदे है। एक पुलिस ऑफिसर बनने वाला हूं जिसकी तनख्वाह सिर्फ 4,000 रुपए है। शायद मैं कावेरी को वो सारे सुख ना दे पाऊं जो आप मेरी बहन को दे रहे हैं, लेकिन पुलिस की वर्दी मेरे लिए एक पेशा नहीं, मेरा अस्तित्व है। एक सपना नहीं, मेरी सच्चाई है।
और हाँ, ड्यूटी के समय मुझे कुछ हो जाए इसकी मैं कोई गारंटी तो नहीं ले सकता। ड्यूटी के लिए अगर मुझे अपनी जान भी देनी पड़े तो मैं तैयार हूं। कावेरी, एक पुलिस ऑफिसर की बीवी का सर या डर से झुक सकता है या गर्व से उठ सकता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम अपनी सारी जिंदगी डर में गुजारो। इसलिए कंग्रेट्स। चाहिए? मुझे तो सिर्फ तू चाहिए चिरंजी, फिर लड़का हो या लड़की मैं एडजस्ट कर लूंगा। ये रंजो, मुझे तो एक प्यारा सा भांजा चाहिए। मुझे तो लगता है भाभी हमको गुड़िया देगी, बिल्कुल अपनी तरह, है ना भाभी? ताकि वो बड़ी होकर अपने दिल के बजाय दूसरों की बात सुने, है ना? क्या भैया, जाने भी दो ना, मुहूर्त बीता जा रहा है, रस्में पूरी कर ले। अरे चूड़ियां कहाँ गई? यहाँ। मैंने सोचा आज भूल जाऊंगी तो मुसीबत हो जाएगी, इसीलिए। अच्छा किया बेटी। एक मिनट माँ जी, देखिए हमारा ये जो एंग्री यंग बॉय है इसके अंदर एक लवर बॉय भी है, तो इसे तकलीफ करने दीजिए ना, आप क्यों मेहनत कर रही हैं? आइए उदय जी, तशरीफ लाइए, आइए आइए। अबे जाना भाव क्यों खा रहा, चल जा।